Hello everyone. This is your favorite ये जो सूफी हैं, जो इंडिया में ज्यादातर सूफी हैं, जो गाने वाने गाते हैं ये तो मतलब मैंने कहीं आपसे ही सुना जो इंडियन मुस्लिम है ये तो इनको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि भाई नहीं? तुम सूफी हो जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान में अगर सूफी चले जाए तो बोलते भाई तुम तो मुस्लिम हो ही नहीं ऐसा भी है कैसे जी सर वो सूफी जो है वो असल में क्या है भला वो असल में हिंदुइज्म के साथ मिला के इस्लाम की एक ब्रांच निकाली गई है That's it. इसके बारे में कई दफा मैंने बात की भी है कि सूफी ने उन्होंने देखा यार इंडिया के अंदर ये लोग तो योग करते हैं उन्होंने कहा चिल्ला बना लो अरे तो, ये लोग तो स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं हम चिल्ला बना के अल्लाह का ज्ञान लेने कोशिश उन्होंने कहा ये लोग तो भजन गाते हैं और एक कवाली बना लो <laughs> अरे ये लोग तो डांस करते हैं अच्छा हम भी अल्लाह डांस करना शुरू कर देंगे तो, तो ये लोग तो वृद्ध करते हैं ओम का हम भी अल्लाह हु, अल्लाह हु का वृद्ध करना शुरू कर देंगे सो बेसिकली इट इज इट इज ए कलेक्शन के उन्होंने हिंदुजम को देखा उसमें जो चीजें देखी उसको पकड़ के इस्लाम में डालने की कोशिश की ताकि इस एरिया के अंदर फिट इन हो सके और यहाँ के लोगों को बता बता सकेंगे यार तुम्हारे पास योग है हमारे पास चिल्ला है तुम्हारे पास भी हमारे पास भी डानस है ठीक है डानस को पता नहीं बार स्ट्रीम में चलाया था वो तो छाती पे हाथ मार के कई सारे मुल्ले कर रहे थे नहीं वो तो इवाल्व्ड है वो तो बहुत है सर्कल में डानस होता है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको जब वो करते हैं <coughs> तो एनी द होल आइडिया इन्होंने उस इलाके में हिंदुइज्म को जो करते हुए देखा इन्होंने कहा हमें इसके लिए या इसके साथ मैचिंग करना है कुछ ठीक है तो वो इस तरीके से उन्होंने गेम शुरू की तो ये जनाब ये उनका डांस है जो जो ओरिजिनल सूफी वगैरह लोग है ना ये उनका ये डांस है अच्छा द होल आइडिया के यार ये ये एक ऐसी चीज है कि उन्होंने बस उस चीज को साथ साथ रखा है जो ओरिजिनली वहां पे हो रही थी इंडिया में और ये चिला चिला में क्या करते हैं कुछ मतलब किस कोई एक पोजीशन में बैठते हैं क्या करते हैं यार पता नहीं किसी ना किसी पोजीशन में बैठे होंगे अब ये चिल्ला मैंने अच्छा। कभी काटा नहीं तो मुझे पता नहीं अच्छा अच्छा। तो... लेकिन चिल्ले में भी वो जाते हैं तीन दिनों का चालीस दिनों का वटेवर इस टाइप से तो वो है इनका किसी भी मुसलमान को इस्लाम से बाहर निकालने के लिए इस्लाम उसको अगर समझ आ जाए तो वो इस्लाम में रह नहीं सकता दैट इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर कि इस्लाम जिस दिन जो भी समझ लेगा वो इस्लाम से बाहर आएगा ही आएगा आप लोग इस चैनल के बहुत मेजर मेजर लोग हो जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो जो सब्सक्राइबर्स हो बिकॉज इट इज यू जो कि हमारे चैनल को हर जगह तक पहुंचा सकता है और आप लोग ही पहुंचाओगे आप लोगों लोग का शेयर करना चैनल को इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज वेयर एवरीथिंग मैटर सबसे ज्यादा आप लोगों का शेयर मैटर करता है कितना आप उसको शेयर करते हो